इस वक्त टाइम हो रहा है 1:39, लगभग 40 मिनट, और ये हो रहे हैं सुबह के यानी कि रात के। तो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ पुन्नी, बिल्कुल झगा। और उम्मीद करता हूँ आप भी होंगे बिल्कुल झगा। वैसे मेरी आंख का मेरा चेहरा देख के आपको पता चल तो रहा है कि मैं सोया नहीं हूँ। सोएंगा कैसे यार, एक्चुअली जाना जो था अपनी ड्रीम राइड यानी कि स्पीति वैली। सही सुना दोस्तों, मैं जा रहा हूँ मथुरा से स्पीति वैली अपनी सुपर मीटियोर 650 पर। और मेरे साथ जा रहे हैं आप लोग भी। यार आप लोग कहाँ रहोगे, मेरे साथ ही चलोगे? तो हमारा पहला डेस्टिनेशन रहेगा मथुरा टू कल्पा या छितकुल, जहां तक भी पहुंच पाए देखेंगे, क्योंकि लगभग मान के चलिए 17-18 घंटे की जर्नी होगी। और यहां से कल्पा बैठ रहा है लगभग 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर काफी लंबा डिस्टेंस है, और पहाड़ों पर मैं रात में नहीं चलना चाहता, इसलिए देखते हैं दिन दिन में जितना पहुंच पाए पहुंचते हैं। और एक्चुअली आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूँ, गाड़ी कितनी लोडेड की हुई है मैंने, देखते हैं गाड़ी को। और दोस्तों ये रही मेरी गाड़ी, आपको दिख रही होगी, ये पैनियर, ये इधर टेल बैग, ये इधर टैंक बैग, एकदम पूरी तरह से लोडेड है। और इधर भी एक पैनियर। तो ये है अपनी गाड़ी, और बस फटाफट धुआंधारी से अपन पैकअप होके और निकलते हैं। फिर मिलता हूँ आपको सीधा गाड़ी पर। हेलो एवरीबॉडी, प्रातः काल नहीं, रात्रि के 2 बजे अपन अपनी स्वचालित चलायमान द्विचक्र वाहिनी पर कल्पा की ओर द्रुत गति से चलायमान हो चुके हैं। सही सुना यार, रात के 2 बज रहे और अपन धुआंधारी से निकल चुके हैं। नजारा आप देख ही रहे हो यार, एकदम पूरा लाइट ही लाइट सब कुछ, और अपन भी अपनी धुआंधार लाइट वाली गाड़ी पे निकल चुके हैं यार। अच्छा, अब आपको मैं यदि रूट बताऊं तो रूट के हिसाब से हम यहाँ से दिल्ली, देन फरीदाबाद, देन होडल, कोसी, देन वो आता ना अम्बाला, शिमला। हाँ, एक्चुअली हम शिमला वाला रूट ले रहे हैं। हाँ, मैं शिमला वाला रूट प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि मनाली वाला यार काफ़ी ऑफ रोड है, तो शिमला वाला मच बेटर। शिमला के बाद देन शायद आगे चलेंगे और तो करछम आएगा, करछम के बाद फिर आएगा आपका कल्पा। तो यानी कि ये मान के चलो यार लगभग 720 किलोमीटर है, समझ लो 20 किलो, 720 किलोमीटर के हिसाब से यदि लें तो यार करीब करीब आपको 16 से 18 घंटे करीब लग सकते हैं। बहुत लंबा टाइम होता है। अब देखते हैं यार कहाँ तक पहुँच पाते हैं, और फिर आपको भी दिखाते चलेंगे, अपन भी देखते चलेंगे। तो बस चलिए अपने साथ धुआंधारी से। और दोस्तों, अब आ चुका हूँ NH-19 पर, और यहाँ से अभी दिखा रहा है यार, अभी चले ही कितना, हार्डली 2-4 किलोमीटर ही चले हैं, अभी दिखा रहा है लगभग 745 किलोमीटर के लगभग अभी और चलना है। इस वक्त बज रहे रात के 2:16 कह सकते हैं, 2:15 का टाइम है इस वक्त। और देखिए, रात में अब सही कहूँ तो रात में मैंने जर्नी करना क्यों प्रेफर किया, आप सोच रहे होंगे यार मैं रात में क्यों निकला। एक्चुअली रात में सबसे बेस्ट रहेगा कि जितना भी गर्म एरिया होता है, जैसे अपना प्लेन एरिया होता है गर्म, उसको हम रात में इजीली ठंडे ठंडे में कवर कर लेंगे। जब तक पहाड़ों में पहुँचेंगे मौसम यार ठंडा हो ही चुका होगा, क्योंकि यार इस वक्त अपने एरिया में गाड़ी चलाना दोपहर में उफ इतनी बुरी हालत होती है, ये समझ लो यार 45 डिग्री होता है, 9 बजे से धुआंधार गर्मी पड़ना चालू हो जाती है, धुआंधार, और इतनी लू सी चलती है 12 बजे तक, तो आदमी का बिल्कुल रोस्ट बन जाए। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना रात में निकला जाए धुआंधारी से, और देखो शायद रात में ही पहुंचे हम कल्पा। अब मेरा एक्चुअली शुरू से ही था कि मैं स्पीति जाना चाहता था, बस वेट कर रहा था गाड़ी का, और थोड़ी सी मैंने छोटी 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 राइड मार ली, तो उससे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा फिर चलो करते हैं एक स्पीति राइड, और आपको भी दिखाते हैं। और दूसरा भाई, ये गूगल बहुत परेशान करता है यार, कभी तो ये रूट दिखाता है होडल पलवल से होता हुआ, और कभी ये दिखाता है वो यमुना एक्सप्रेस वे वहाँ से होता हुआ। जब मैं कल चेक कर रहा था रूट,
तो ये दिखा रहा था दिल्ली होटल पलवल यहाँ से होता हुआ, आज चेक कर रहा हूँ तो सुसरे ने रूट ही बदल दिया पूरा। आज दिखा रहा था वो यमुना एक्सप्रेस वे से, तो भाई इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने तो यमुना एक्सप्रेस वे लिया नहीं, मैं जा रहा हूँ एक्चुअली NH 19 ये होटल कोसी ये सब होते हुए, और फिर अपन दिल्ली में एंटर करेंगे और फिर देखो आगे कहाँ तक है। अब वैसे यार रात का टाइम है, रात को दिखाने लायक तो कुछ खास है नहीं, हल्का सा दिन होता है तब मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ या कोई और एक्टिविटी होती है। तब तक के लिए रहो झगास। हाँ दोस्तों, मैंने बीच का दिखाया नहीं यार क्योंकि काफ़ी अंधेरा था, उसमें दिखा था क्या था। इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 और हम चला चुके हैं टोटल 186 किलोमीटर। और आपको सही बोलूँ तो इस वक्त हम दिल्ली पार कर चुके हैं और पानीपत की तरफ कुछ कर चुके हैं। अब मौसम बड़ा ठंडा ठंडा सा हो रहा है यार, मैं चाह रहा हूँ कि ये जितना भी ये गर्मी का जो टाइम होता है ना, इसमें फटाफट फटाफट सुबह सुबह निकल लूँ और जब आ जाए दोपहर का टाइम तो वहाँ पे पहुँच जाओ पहाड़ों पे मस्त ठंडा ठंडा। और सुबह का मौसम देखो यार, यार ज़बरदस्त हो रहा है। सुबह कुछ राइड्स पे निकले, अभी मिले कुछ राइडर्स, राइड्स पे निकला, अभी यार अंधेरा था तो मैंने सोचा यार क्या दिखाऊँ, क्योंकि देखने का असली मज़ा तो उजाले में ही आता है। और असली मज़ा कहाँ आता है, जब होंगे हम पहाड़ों पे, वहाँ होंगे असली नज़ारे। अच्छा अब डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो डिस्टेंस अब हमारा रह गया है करीब करीब, गूगल बा बता रहे हैं 530 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस अभी और रह गया है। ये कल्पा तक का मैंने लगाया है एक्चुअली, और देखेंगे यार जहाँ तक जा पाए, ऐसा नहीं कल्पा ही जाना है, रामपुर नारकंडा रक्षम जहाँ तक जा पाए हम वहाँ तक जाएंगे और फिर होटल लेके यार स्टे कर लेंगे, ज़बरदस्ती थोड़ी है। और उसके बाद जब रेस्ट करेंगे तो नेक्स्ट डे घूमेंगे कल्पा। यार वाकई में बहुत ज़बरदस्त जगह है, अभी भी वहाँ बर्फ़ जमी हुई है, हमारी तरफ आदमी पिघला पड़ा है पूरा बुरी तरह से भाई, इतनी भयंकर गर्मी है ना हमारी तरफ, यानी कि आप ले लो यूपी साइड दिल्ली साइड एसी तक फेल हो जाते हैं, इतनी भयंकर गर्मी है। अभी मैंने वेंट्स खोल रखे हैं अपनी जैकेट के, तभी मैं गाड़ी चला पा रहा हूँ, अपनी जैकेट में इतना बुरा हाल हो जाता है यार, पसीने पसीना। और एक बात और बताऊँ यार, 4:30 बजे भी दिल्ली में हल्का जाम मिला, ताज्जुब की बात, 4:30 बजे यार जाम, ये थोड़ा सा अजीब सा ही लगता है, 4:30 बजे कौन सा जाम लगता है। और दिल्ली में कुछ भी हो सकता है, वहाँ से लोग 4:30 बजे लोटा लेके बैठे नजर आएंगे, और यहाँ पे भाई लोग कार में नजर आते हैं। दिल्ली है, दिल वालों की कुछ भी हो सकता है। ये देखो यार लेफ्ट राइट के नज़ारे, अभी अपना 360 भी लगाऊंगा बस थोड़े से नज़ारे चालू हों। और कहीं मैंने यार ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं किया है तो ब्रेकफास्ट भी करना है भाई, निकालो जल्दी। ए चचा बड़ी जल्दी पड़ी है तेने, ब्रेकफास्ट के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रहा हूँ। 3:30 हो चुके हैं चलाते चलाते, यार लॉन्ग ड्राइव में मज़ा तो आता है। स्पीति वैली, इससे मतलब नाम सुन के ही ना स्पीति वैली का दिल गार्डन गार्डन सा हो जाता है। हाँ ये बात अलग है कि यार थोड़ा दूर पड़ता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट स्पीति का नहीं रखा है, थोड़ा सा कल्पा घूमेंगे और बाकी उसके आसपास की जगह वो घूमेंगे और लास्ट में फिर काजा स्पीति पूरा एक्सप्लोर करके बैक टू मथुरा। अभी तो होगी अपनी जर्नी बिल्कुल झगास। लो नज़ारों के मज़े, ये हम किसी फ्लाईओवर पे आ गए, अभी तो खैर दिल्ली रीजन ही चल रहा है। तो रुके यार अपन, ये है मुरथल, यहाँ गुलशन ढाबा है, इसमें रुके यार ब्रेकफास्ट के लिए, काफ़ी भूख लगी थी यार। 2 बजे के चले और अब टाइम हो रहा है 5:45, तो वही अपना रेगुलर आलू पराठा और स्पेशल कुल्हड़ टी ऑर्डर किए, उसको खा पी के और फिर निकलते हैं, वेट करते हैं फिर आलू पराठा और कुल्हड़ चाय।
और यार अपने पराठे और चाय आ चुके हैं, आपको दिखाता हूँ क्या है। ये देखिए ये पराठा और इसका इसके साथ इतना ही मक्खन है, ये मक्खन देख रहे हैं, इस पे लगाओ दबा के खाओ। और ये कुल्लड़ चाय, साइज देख रहे हो आप इसका भाई, दाम के हिसाब से काम भी है। तो बस फटाफट लपेटता हूँ उन्हों को और फिर चलते हैं गाड़ी पे धुआं धारी से। ये देखो यार सुबह सुबह का सूरज धुआंधारी से उग चुका है और हम भी धुआंधारी से अपनी चाय पे आ चुके हैं। यार चाय का साइज देखो भाई, बहुत बड़ा कुल्लड़ है और वो भी केसर डाल के देखो बहुत बड़ा साइज है यार कुल्लड़ का। तो बस दूसरी चाय, पहली तो मैंने लपेट ली है, दूसरी है तो चाय लपेटते हैं और फिर निकलते हैं। वैसे पानीपत एरिया से चल रहा है ये, गुलशन ढाबा बड़ा जोरदार यार, तंदूरी पराठा और कम से कम कटोरी भर के मक्खन और ये चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। तो दोस्तों हो गया है अपना प्रातः भोज और दबा के खाया आलू का तंदूरी पराठा और दो कुल्लड़ चाय लपेटी है। भाई क्या चाय है यार, कटोरी भर के मक्खन, मैं तो सही कहूँ पहली बार खाया है मैंने ऐसा। सुना था कि हाँ भाई गुलशन ढाबा और इमोर्थल वगैरह ये सब कुछ हैं, लेकिन सही कहूँ पहली बार खाया तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। मतलब कहें तो प्राइस के अकॉर्डिंग पैसा पूरा वसूल है, आपको ये नहीं लगेगा कि अरे यार क्या दिया है इतने से पैसे में, नहीं पूरा है। और ये देखो यार अब हो रहा है सनराइज, धुआंधारी से आपको दिख रहा होगा, अब धीमे 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 सनराइज तो हो रहा है भाई, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा ये अपनी ऐसी की तैसी करवाएगा कि धुआंधारी से गर्मी पड़ेगी। बस उम्मीद करते हैं तब तक पहाड़ों में पहुंच जाए, आ ठंडा ठंडा सब कुछ चिल चिल, यार वहाँ के नज़ारे देखने के लिए ना आँखें तरस सी रही हैं। फटाफट अपनी गाड़ी को लेकर पहुँचते हैं, चलें फिर धुआंधारी से। अपना प्रातः भोज तो हो गया, अब कराते हैं गाड़ी का प्रातः भोज, यानी कि डलवाते हैं गाड़ी में पेट्रोल। भाई कोई है क्या, अरे भाई कोई इंसान है क्या, यहाँ कोई भी नहीं है क्या, चलो भाई कोई इंसान तो है, मुझे लगा पता नहीं कोई है भी कि नहीं। हाँ तो दोस्तों अब हो रहा है टाइम सुबह के 8 और हम चले थे रात के 2 बजे, यानी कि 6 घंटे हो चुके हैं और 6 घंटे में हमने कवर किए हैं 300 किलोमीटर, यानी कि मान के चलो आप 50 की सिंपल सी रफ्तार रही है, क्योंकि दिल्ली में यार काफ़ी मतलब सुबह भी 4:30 पे भी यार ट्रैफिक मिला था और रेड लाइट भी मिली थी 4:30-5 बजे, यार इतनी जल्दी रेड लाइट कौन करता है, ये रेड लाइट करने वाला जाग जाता है इतनी जल्दी, तुम्हारा लोटा लेके भी नहीं जाते लोग, और वहाँ रेड लाइट हो गई। और इस वक्त मैं चल रहा हूँ करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच, अभी पेट्रोल भरवाया था तो अपनी गाड़ी की पेट पूजा हो गई और अपना भी प्रातः भोज हो गया। तो अब गूगल बाबा आदरणीय पूजनीय बता रहे हैं कि 418 किलोमीटर अभी और है कल्पा पहुँचने में। याद रखिए मैं अभी सीधा कौन सी जगह जा रहा हूँ, मैं अभी सीधा भाई मैं जगह का नाम ही भूल गया, वो थोड़ा अजीब सा ही नाम, हाँ मैं जा रहा हूँ स्पीति वैली यार वो नाम थोड़ा अजीब है ना इसीलिए, वैसे मेरा टारगेट है स्पीति वैली, तो स्पीति वैली में डायरेक्ट ना जाकर पहले जाऊँगा कल्पा, मैंने आपको शुरू में बता दिया था सोचा एक बार रिमाइंड करा दूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ कल्पा और उसमें बाकी हैं 420 किलोमीटर और टाइम बता रहे हैं आदरणीय गूगल बाबा 10 घंटे 18 मिनट। भाई अभी तो बहुत टाइम है, 10 घंटे और 400 किलोमीटर यानी अंदाज लगा लो 40 की लगभग रफ्तार रहेगी, और बीच में यार अपना मध्यान्ह भोज और वो क्या गर्मा गर्म दुग्ध शर्करा निर्मित पे वो भी तो लेंगे, तो पहुँचते पहुँचते यार 11-12 घंटे तो हो ही जाएंगे और आपको नज़ारे भी तो दिखाने हैं, ऐसा थोड़ी बस लिया और सब पहुँच गए। तो निकलते हैं, अगर ये आया एक दूरदर्शी हरित दिशा निर्देश सूचनादायक पट्टिका कुरुक्षेत्र लेफ्ट, सब लेफ्ट में ही है, नथिंग इज राइट। ओके हमें जाना है कुरुक्षेत्र, यहाँ से फिर आगे शायद अम्बाला है, मेन है शिमला पहुँचना है, शिमला के बाद फिर धीरे धीरे जैसे HP यानी हिमाचल प्रदेश चालू हो जाएगा फिर तो ईजिली नो इशू, थोड़ी थोड़ी ठंड और यार गर्मी, बस यूँ समझ लो जब तक गाड़ी चल रही है अपन भी चल रहे हैं, जहाँ गाड़ी रुकती है हे पसीना पसीना, ऐसी ऐसी जगह से पसीना निकलता है भाई, समझ लो तौलिया भी ना पहुँच पाए वहाँ पे,
सही बता रहा हूँ, ऐसी जगह से पसीना निकलता है भयंकर। बिल्कुल सूरज अपने बिल्कुल टॉप पर चल रहा है। अपन भी टॉप पर चल रहे हैं, चलते हैं फिर धुआंधारी से। ये देखो यार, अभी कुरुक्षेत्र के पास हम पहुंचने वाले हैं। एकदम लाइन से मिले मुझे सारे के सारे यार यूकेलिप्टस के पेड़। क्या जबरदस्त लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े, देखो कितने अच्छे लगते हैं ये। एकदम रोड के किनारे लगे हुए लाइन तारी से बिल्कुल, काफ़ी टाइम से चले आए, तो मैंने सोचा यार दिखाऊँ आपको भी, कितने बेहतरीन लगते हैं। अच्छा बचपन में आपको याद हो हम लोग क्या किया करते थे, यूकेलिप्टस की पत्तियां तोड़ते थे और उसको रगड़ के विक्स की खुशबू आ रही है, विक्स की खुशबू आ रही है, इससे विक्स बना करती है। आप लोगों ने भी किया होगा, यार मैंने बहुत किया है। बड़ी अच्छी महक होती है इसकी पत्ती की। अब वो बचपन के दिन तो गए, अब बस देखने देखने के रह गए, देख के ही गुजारा कर लेते हैं यार। बचपन की यादें कभी जाती नहीं है। हाँ बड़ेपन की भी यादें, बाइक पर घूम रहे हैं, पहले बचपन में देखा करते थे, वो देखो क्या बाइक जा रही है, अब हम उस बाइक पर जा रहे हैं। पहले पत्तियां सूंघा करते थे, अब बैठे बैठे धुआं सूंघ रहे। देखो यार लाइन से करिए, 1-2 किलोमीटर से बहुत सारे पेड़ हैं ये। मुझे ऐसा लगता है शायद ये वो प्रोटेक्टेड है, क्या फॉरेस्ट एरिया क्या कुछ उस टाइप में है। हाँ ये कुछ नंबर कुछ मार्किंग नहीं है, हाँ मार्किंग हो रही है, मैं यानी कि नहीं काटा नहीं जा सकता, इलीगल है ना काटना। बहुत अच्छा लगता है यार जब ऐसे देखने को मिलता है बिल्कुल हरा हरा। इससे यार अच्छा मैं बताऊँ, इनका फायदा होता है कि यहाँ पर जो एरिया है ना वो ठंडा ठंडा सा रहता है, बाकी में तो यार अजीब सी गर्मी से गुम्माटा सा मारता है बिल्कुल। ये ब्रिज के ऊपर से, और इधर भी पेड़, और इधर भी यूकेलिप्टस के पेड़, बहुत अच्छा लगता है। और ये आ चुका है अम्बाला का धनुष। धनुष का मतलब बस कि अम्बाला आ चुका है। अब हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट, लेफ्ट लेना है, चलो लेफ्ट। बस यही थोड़ी दिक्कत हो जाती है यार कि किधर लेना है और किधर नहीं लेना है। गूगल बाबा ये थोड़ा सा क्लियर बता देना, क्योंकि लेफ्ट राइट समझ में नहीं आता है। वैसे ये पहचान है, धनुष आ गया तो समझ लीजिए आप अम्बाला पहुँच गए। इसके बाद पड़ेगा पंचकुला शायद, पंचकुला के बाद भाई इतना नहीं पता यार, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत सिटीज आएंगी, यानी कितने स्टेट्स क्लियर करने पड़ेंगे तब जाके पहुँचेंगे कल्पा तक। वैसे यार आधा टाइम तो हमारा, आधा किलोमीटर तो हमारा निकल गया, लगभग 360 किलोमीटर करीब हो गया। टाइम 9 के करीब, 2 बजे चले, 7 घंटे हो गए। अभी भी आदरणीय गूगल बाबा करीब करीब 9.5 घंटे बता रहे हैं, तो पहुँच ही जाएंगे, पहुँचना तो है भाई, कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे यार। वहीं पर स्टे करेंगे, फिर वहाँ से अपनी जर्नी कल और बढ़ाएंगे, फिर आपको और दिखाएंगे। अभी चलते हैं सीधा पंचकुला। ये रहा एक दूरदर्शी हरित दिशा निर्देश सूचना पट्टिका, चंडीगढ़ शिमला स्ट्रेट। ओह हाँ शिमला ही तो जाना, शिमला से होते हुए फिर पड़ेगा नारकंडा शायद, फिर फुकरी, फुकरी फुकरी मतलब कुछ तो है यार, समझ जाओ कर फो को थोड़ा सा एडजस्ट करके। और फिर उसके बाद करछम वगैरह पड़ेगा, करछम के बाद फिर आएगा शायद छितकुल या कल्पा, दोनों में से कोई एक। वैसे आसपास ये दोनों में हार्डली शायद 10 या 15 किलोमीटर का फ़र्क होगा, एक कट पड़ता है वहाँ से, सीधे मुड़ जाओ तो छितकुल के लिए निकलते हैं और सीधे चले जाओ तो कल्पा के लिए। तो पहले कट तक पहुँचते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कटाकट करनी है। खींचते गाड़ी का धुआं धारी से। दोस्तों टाइम हो रहा है अब 10 और किलोमीटर पूरे हो गए हैं 400, गूगल बाबा बता रहे हैं आदरणीय है। अभी 320 किलोमीटर और है, यानी कि 8.5 घंटे अभी और लगेंगे। रुक के यार मैंने छोटा सा एक जल अंतराल यानी कि एक वाटर ब्रेक ले लिया, और आगे आगे आ गया है वाहन आवागमन शुल्क ठोको केंद्र अर्थात टोल प्लाजा। अपने को कोई रोक नहीं सकता भाई, रोक के दिखाए रुक जाएंगे और क्या, अपनी कौन सी कुछ लग रही है, टू व्हीलर का क्या लगता है यार। और ये इस वक्त हम चल रहे हैं शिमला की ओर चल रहे हैं, लेकिन आई थिंक अम्बाला में है अभी। एक तो यार सब सड़क एक जैसी है, मुझे अभी तक कुछ भी ना क्या बोलते सिंबल वगैरह कुछ दिखाई नहीं दिया यार। एक तो धूप इतनी ज़बरदस्त हो गई है, इतनी ज़बरदस्त, अभी बज रहे 10, मैं सोच रहा हूँ 12 बजे क्या हाल होगा है?
यदि 12 बजे तक हम ठंडे ठंडे में नहीं पहुंचे तो क्या हाल होगा। खैर कोशिश करेंगे, जहां तक शिमला शायद 1-2 घंटे में आ जाएगा। 12 बजे तक हम शिमला में होंगे, ठंडा ठंडा, फिर कोई टेंशन नहीं यार। अभी एक्चुअली सही आपको बताऊं तो बहुत ज़बरदस्त हीट वेव चल रही है, जब आप गाड़ी चलाते हैं ना तो गर्म हवा लगती है जिसकी वजह से बॉडी का पानी उड़ता जाता है। मैंने वो अपनी जुगाड़ दिखाई थी ना बोतल में बर्फ़ वाली, बस उसी से काम चल रहा है, ठंडा पानी गर्म पानी मिक्स करके। और रुकूंगा यार कहीं लंच के लिए, अब बस चलते हैं। ये देखो दोस्तों, पहाड़ दिखने शुरू हो गए अपने राइट में। देखो पंचकुला ये है एरिया, और पहाड़ दिखने शुरू हो गए मतलब हम पहाड़ों पर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, कल्पा भी आ जाएगा। ये देखो यार, इधर सब पहाड़ी पहाड़ शुरू हो गए मेरे राइट में। अब धीरे 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 चढ़ना शुरू करेंगे। देखो फिर कल्पा पहुंचते हैं, अभी तो 10:15 हुआ है और किलोमीटर गूगल बा बता रहे हैं, गूगल बा भी घूम गए, अभी भी है करीब 300 किलोमीटर तो है। ये देखो भाई, हाथ देके रोका है, देखते हैं अपने चाहे सब्सक्राइबर होंगे। आए कैसे हो, आओ कैसे। और भाई ये थे अपने एक सब्सक्राइबर। चलो यार मिले तो सही भाई, मिलना बहुत बड़ी बात होती है, छोटा सब्सक्राइबर सही, लेकिन अपने सब्सक्राइबर तो सब्सक्राइबर ही होते हैं, सही कहा कि नहीं। ओह चलें, चलते हैं भाई। वाह यार क्या सीन शुरू हो गया, ये देखो क्या धुआंधार है यार। भाई आ गए असली जगह, अब हुआ बिल्कुल झकास नजारा, हुआ कि नहीं। सामने देखो यार, धुंध ही धुंध, यहाँ गर्मी ही गर्मी, जा रहे हो ठंड में। यकीन मानना जितनी गर्मी गर्मी हम चिल्ला रहे हैं ना, वहाँ जाके 0 डिग्री में ऐसी की तैसी हो जाएगी। शिमला 80, सोलन 42, बस सोलन पहुँचते ही धीरे 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 ठंड चालू। यार बड़ी राहत सी लग रही है, पहाड़ देख के सारी गर्मी सारी थकान छुवंतर हो जाती है। पता नहीं यार पहाड़ों में कुछ ऐसा है, अब मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या है, बट जब भी पहाड़ देखो एकदम से अलग से एकदम ऐसा लगता है ना कहाँ आ गए। मेरी जितनी थकान थी ना, सही बता रहा हूँ, सब खत्म हो गई। अब बस शिमला पहुँचने का इंतजार है। 80 किलोमीटर मान लें तो लगा लिया 2 घंटे, नहीं 3 घंटे तो लग ही जाएंगे भाई। शिमला के बाद फिर आएगा कल्पा वगैरह, और फिर तो आगे बहुत बढ़ना है। अभी तो बीच में रुक कर अपना मध्यान्ह भोज भी तो करना है। बड़ा प्यारा बच्चा मिला यार पीछे, एक्चुअली मैं पानी पीने के लिए रुका था, तब से देख रहा था, मैं पहचान नहीं पाई, गाड़ी के अंदर था। आफ्टर दैट फिर उन्होंने हाथ दे के रोका, मैंने कहा भाई कौन है देखूं कोई परिचित, फिर बच्चे ने बताया सब्सक्राइबर है मेरा। चलो यार मिलते हैं ना तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो कोई तो मिला है, वरना अकेले अकेले चले जा रहे हैं भाई, सही बताएं अकेले ही जा रहे हैं। अकेले का मज़ा अलग होता है, फ्रीडम होती है अकेले में, जहाँ चाहो वहाँ जाओ। क्या कोई दूसरा आ जाएगा तो उसके साथ भी मोस्ट वेलकम, तब तक अकेले ही सही। देखो यार क्या पहाड़, फिर से पहाड़, पहाड़ी पहाड़ हर जगह पहाड़। अभी अभी यार मैगी खाई, चाय पी, दिखा नहीं सका क्योंकि यार बड़ी ज़ोर से भूख लगी थी और थोड़ा सा डिहाइड्रेट भी हो रहा था, तो पानी पी लिया, आराम से बैठ के आधा घंटा चिल मारा मैंने। अब थोड़ा बहुत यार पर्सनल भी एंजॉय करना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे गूगल बा बता रहे हैं 8.25 घंटे लगेंगे और लगभग 300 किलोमीटर है। आप सोच लो किस टाइप का होगा रूट। हाँ 301 किलोमीटर, इसी तरह से चलना है पहाड़ में गोल 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 गोल, तब जाकर हम कल्पा, जहाँ तक मैंने सोचा कल्पा जाएंगे, कल्पा पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाए तो देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं लास्ट, वहाँ स्टे कर लेंगे, नेक्स्ट डे फिर कल्पा।
भाई जाना तो है, चाहे कैसे भी जाए, तभी तो अपनी जर्नी होगी। बिल्कुल जगह, ये देखो यार क्या नज़ारे हैं भाई। सही बताऊं, मैं इन्हीं नज़ारों के लिए ही बाइक पे घूमना पसंद करता हूँ। कार भी है मेरे पास, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं आता है, वो फील नहीं आता जो बाइक में आता है। बाइक में चारों तरफ देखो, आगे पीछे ऊपर नीचे, हाँ थोड़ा खतरा ज़रूर रहता है, बट फ्रेंकली कहूँ बाइक में जो चीज़ दिखती है ना, 360 कह लो 180 कह लो, व्यू एक अलग ही आता है। और सबसे बड़ी बात, शिमला जैसे एरिया में आप बाइक ही निकाल सकते हैं, कार तो जाम लगते सीधी फंस गई। अब यही है कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाए शाम शाम में, तो फायदा ये रहेगा कि पहाड़ी एरिया में यार रात को थोड़ा सा डेंजर रहता है, आप भी जानते हो। हाँ नहीं, लोग तो यहाँ के बहुत अच्छे हैं, लोग की टेंशन नहीं है। एक्चुअली कभी लैंडस्लाइड हो जाए, कुछ पत्थर गिर जाए, तो अंधेरे में हमें तो पता नहीं चलेगा ऊपर से गिर गया और हम निकल लिए, या फिर गाड़ी में कुछ हो गया, थोड़ा सा ये खतरा रहता है। वरना लोग तो यहाँ के ऐसे हैं कि आप सामान छोड़ के भी चल दो ना, तो भी आपको पूरा ही मिलेगा सामान। हमारे एरिया के तरह नहीं है कि आपने गाड़ी में चाबी लगी छोड़ दी, चाबी तो मिल गई, गाड़ी नहीं मिली आपके। ये बहुत वो है। अभी यहाँ कर्व चालू हो गए यार, कर्व में मज़ा आता है असली। लीन करो गाड़ी धुआंधारी से, आ ठंडी ठंडी हवा लगनी चालू। अब भाई कल्पा में जब पहुंचेंगे ना, यकीन मानना टेम्परेचर बहुत डाउन होगा वहां पर। मैं अपनी दो दो तीन तीन जैकेट लेके आया हूँ, पूरा लाद के घूमना पड़ेगा अच्छे से। बिल्कुल, ये बड़े बड़े पहाड़, सारी थकान दूर हो गई इन पहाड़ों को देख के। दोस्त कभी मौका लगे ना तो ऐसे ही आ जाना घूमने, कैसी भी बाइक हो, जरूरी नहीं कि हैवी बाइक हो, सुपर मीटियोर ही हो, या बहुत बड़ी बड़ी BMW की, कैसी भी बाइक हो, लाइफ में एक बार टूर जरूर करना ऐसी बाइक पर, लेकिन पूरे नियम कानून का पालन करते हो, उन्हें फॉलो करते हुए। ऐसा नहीं अंधाधुंध आप चला रहे हो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि हम भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो करते हैं। देखो पूरा राइडिंग गियर में मैं रहता हूँ, आपने मुझे देखा होगा, अब भी मैं पूरी तरह से पैक हूँ राइडिंग गियर में। क्या नज़ारे हैं, तो मज़ा लो इन नज़ारों का।